रहे हैं, सदन की कार्रवाई की लाइव तस्वीरें। ये तीनों पंचायत के द्वारा जिनको तय किया गया देवेंद्र सिंह को कि हमारे पंचायत की ओर से रिप्रेजेंट करेंगे, वो प्रतिनिधित्व करेंगे और अपनी बात रखेंगे, उनको इन्होंने सुना नहीं और एक दूसरी तारीख तय की और उसके बाद बिना प्रॉपर सुनवाई के अवसर दिए ये उसका उसको समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। तो मेरा यह कहना है कि जिनको लिए समिति बनाई गई उस आपत्ति को उनको सुनवाई करना था, आपत्ति की सुनवाई नहीं की, तो क्या ऐसे समिति के विरुद्ध में कार्रवाई करेंगे? अध्यक्ष जी, जो शिकायत हुआ कि स्थान परिवर्तन हुआ है उसके लिए जांच कमेटी बनी, अब उनकी उपस्थिति में ही जांच होना था, उनकी सुनवाई होना था, ऐसा नहीं। जिन बिंदुओं पे शिकायत की गई उसकी जांच की गई, मैंने कहा, और उसके बाद जिन माध्यमों से उनको पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाना था वो प्राप्त किया गया, ये तो उत्तर में स्पष्ट है माननीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, ये जो जन सुनवाई है ना अध्यक्ष महोदय, इसका सबसे ज्यादा दंश हम लोग झेलते हैं जांजगीर चांपा कोरबा बिलासपुर। कोई कोई प्लांट वाले आते हैं, जन सुनवाई होती है, कोई एसडीएम या एडिशनल कलेक्टर की ड्यूटी लगती है और पूरा प्रशासन उद्योगपति के पक्ष में ही लॉबिंग करता है, पूरी तरह से सेट किया जाता है मामला। मैं तो आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि जन सुनवाई के लिए मिनिमम कम से कम सचिव स्तर के अधिकारी को ही जन सुनवाई करने का अधिकार दिया जाए। ये एडिशनल कलेक्टर एसडीएम के लेवल में होता है तो बड़ा गड़बड़ होता है अध्यक्ष जी, और बाद में बहुत तकलीफ होती है। अब वो इस पार्ट बदल लिया एक जगह और इसी तरीके से हुआ है अकलतरा में, कहीं के लिए कैप्टिव पावर प्लांट का कहीं लगाया है, कितने बात को यहाँ प्रश्न लगाते रहे, कितने बात को बोले। तो कृपा करके मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जन सुनवाई में सुनवाई के लिए एसडीएम लेवल और एडिशनल कलेक्टर के लेवल से उठा करके मिनिमम कम से कम कमिश्नर या सचिव स्तर के अधिकारी को नियुक्त करने का प्रावधान और निर्देश देंगे क्या आगे जो भी होने वाली जन सुनवाई है? अध्यक्ष जी, एक तो ये प्रश्न इससे संबंधित और उद्भूत नहीं है और दूसरा माननीय धर्मजीत भैया, प्रादेशिक स्तर का प्रश्न है इसलिए मैंने उसको स्वीकृति दी है। नहीं नहीं, वो जन सुनवाई का प्रश्न है सर, और जन सुनवाई में वो एसडीएम क्यों सुना होगा, वो राजेश सिंह कौन सिंह बोल रहे हैं, देवेंद्र सिंह को नहीं सुना होगा, वो तो पहले सेटिंग करते हैं सवेरे से शाम तक कि कौन विरोध में आ रहा है, कौन समर्थन में आ रहा है। कोई मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये परंपरा ही रही है, इसलिए इस परंपरा को तोड़ दीजिए और सचिव स्तर के लोगों को कम से कम रखिए कि उस स्तर के अधिकारी से लोग बात नहीं कर पाएंगे इस प्रकार की। अभी तक जो परंपरा है उसको बदल दीजिए, हिज नॉमिनी अब बदल दीजिए, सुनवाई में उपस्थित होता है माननीय अध्यक्ष जी। नहीं सर, आप उसको बदलवा दीजिए, कुलदीप जुनेजा जी अपना प्रश्न आप बदल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो चलिए क्या है, वो तो चल ही रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूँ, रायपुर जिले के दरसिया ब्लॉक अंतर्गत सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत उद्योग होने वाले प्रदूषण के संबंध में जनवरी 2019 से सितंबर 2019 तक कितने शिकायतें प्राप्त हुई है और प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई? कुलदीप जी, जी जो मूल प्रश्न है उसी का आप दोबारा कर रहे हैं, उसमें उत्तर भी लिखा हुआ है ना, उसके आगे कुछ बढ़िए ना, उसके आगे भी मैं जो शिकायतों के अलावा भी स्वतः पर्यावरण मंडल ने कोई और भी कार्रवाई की है क्या शिकायतों के अलावा भी? चलिए अध्यक्ष जी, मूल तो लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई जारी है जिसमें आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के विभागों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा हो रही उसके है। उसके जवाब में मंत्री जी ने कहा जी नहीं, मतलब आपने प्रतिबंध नहीं लगाया है। राज्य शासन आगे उन्होंने अपने जवाब में कहा है, राज्य शासन द्वारा सभी प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, अपितु राज्य शासन द्वारा अधिसूचना 24/12/14 के माध्यम से
प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण उपयोग पर दिनांक 1/1/2015 से प्रतिबंध लगाया गया था। तत्पश्चात उस उक्त अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए नवीन अधिसूचना दिनांक 27/9/17 के माध्यम से प्लास्टिक बैग, कैरी बैग, अल्पजीवन पीवीसी एवं क्लोरीन युक्त प्लास्टिक अर्थात विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री पीवीसी के बैनर, फ्लेक्स, होर्डिंग, फोम, बोर्ड आदि तथा खान पान के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुएं कप, ग्लास, प्लेट, बाउल, चम्मच के विनिर्माण एवं उपयोग पर अधिसूचना। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वागत है रुपेश गुप्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, हालांकि अब भी कार्रवाई जारी है सदन में, क्या अपडेट्स इस पर मिल पा रहे हैं, क्योंकि आज काफी अहम चर्चा होने वाली थी भूपेश बघेल और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के विभागों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा हुई। जो सदस्य हैं वो सवाल उठा रहे हैं, प्रश्नकाल का अभी चल रहा है और अभी जो प्लास्टिक के बैन को लेकर के धर्मजीत सिंह ने सवाल उठाए हैं कि प्लास्टिक में बैन को लेकर के जो शासन ने जवाब दिया है उससे असंतुष्ट होकर के कई सारे सवाल उन्होंने जागे हैं। महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्लास्टिक को लेकर के लगातार सेंट्रल की ओर से नियम बना दिए गए, 2014 में छत्तीसगढ़ में अधिसूचना जारी कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है जो कार्रवाई होना चाहिए था और इसी पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वन मंत्री मोहम्मद अकबर नहीं है तो उनकी ओर से संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे इन सवालों का जवाब दे रहे हैं। जी, इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं आज जो सदन में उठने वाले हैं और इसके अलावा हंगामे की क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, नान को लेकर के सवाल उठे, नान में एक कुरूप वकील है रमन सिंह ने आरोप लगाया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि महाधिवक्ता की बजाय किसी निजी वकील को किया गया है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया कि ऐसे कई मसले थे जब जो विपक्ष के सदस्य हैं जो इस मामले से बचने के लिए चार्टर्ड प्लेन पे वकीलों को बुला रहे हैं और उन्होंने इस आरोप को खारिज कर दिया, इसको लेकर के काफी हंगामा हुआ। जी, और जैसा कि 11 पत्र प्रतिवेदन रखे गए हैं सदन में पटल पर, ध्यान आकर्षण में 21 प्रस्तावों पर कार्यसूची को शामिल किया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी है? चार जो ध्यान आकर्षण पर चर्चा संभव है, बाकी के ध्यान आकर्षणों को पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। इसके अलावा तमाम जो रिपोर्ट्स अलग अलग विभागों की, खासतौर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विभागों की, उनकी रिपोर्ट्स भी प्रतिवेदन जो है वो सदन में रखी जाएगी, लेकिन इसको लेकर के बहुत ज्यादा हंगामा नहीं होने की उम्मीद है। हंगामा सबसे ज्यादा सार्केगुड़ा को लेकर के उम्मीद है, जैसे ही शून्यकाल 12 बजे से शुरू होगा। जो जानकारी मिल रही है, सत्ता पक्ष के तमाम लोग इसको लेकर के रमन सिंह को घेरेंगे, जबकि रमन सिंह इस मसले को उठाएंगे कि ये जो रिपोर्ट है कैसे बाहर लीक हो गई, पटल पर रखा जाना चाहिए था लेकिन पटल पर ये रिपोर्ट नहीं रखी गई। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रुपेश।